8th Standard, General Science, Chapter 14, Measurement and Effects of Heat. इसमें अपन मेजरमेंट देखेंगे हीट का एंड उसके हीट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सम इफेक्ट्स ऑफ हीट आर शोन इन फिगर नंबर 14.1। व्हाट आर दे? सी द फिगर 14.1। वेरियस इफेक्ट्स ऑफ हीट, बॉइल, देन आइस मेल्ट हो रहा है, देन मैच बॉक्स वाला, देन ये जो बलून होता है एयर बलून। सो वी हैव सीन इन प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट हाई टेम्परेचर टू एन ऑब्जेक्ट एट लो टेम्परेचर। अपने इसके पहले वाले स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि हीट एक एनर्जी का ही फॉर्म है, वो एक मतलब एक हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट से तो लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट तक फ्लो होता है। टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड दैट ऑब्जेक्ट इज। सो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अपने को ये बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और कितना कोल्ड है। The temperature of a cold object is lower than the temperature of a hot object. Cold object का जो temperature होता है वो क्या होता है, कम होता है hot object के temperature से, ठीक है। मतलब ये क्या, hot object का जो temperature होगा वो ज़्यादा होगा as compared to cold object. Thus, the temperature of ice cream is less than the temperature of tea. जो चाय का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, मीन जो आइसक्रीम का टेम्परेचर होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू टी, टी का ज़्यादा आइसक्रीम का कम। ओके, वी हैव मतलब जो जितनी चीज़ ठंडी रहेंगी उतनी चीज़ उसका टेम्परेचर क्या होगा, माइनस में नीचे होगा, ठीक है। एंड जितनी चीज़ वो गर्म होगा उसका टेम्परेचर वो प्लस में जाएगा ऊपर की तरफ। वी हैव ऑल्सो सीन दैट When we give heat to an object, it expands and it contract on cooling. So, अपने देखा है कि जब अपन कोई ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो क्या हो जाता है, वो फैल जाता है, एक्सपांड हो जाता है। पर जब अपन उसको ठंडा करते हैं, मतलब जब वो ठंडा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फिर से चीम जाता है, फिर मुरझा जाता है, ऐसा कुछ, ठीक है। ऑल्सो द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस ड्यू टू हीट। द यूनिट ऑफ हीट इन SI सिस्टम इज जूल, वाइल दैट इन CGS यूनिट्स इन इज कैलोरी। सो हीट का SI यूनिट क्या है, जूल, और CGS यूनिट है कैलोरी। सो 1 कैलोरी is equivalent to 4.18 जूल, ठीक है। अगर आपको कोई यूनिट कन्वर्जन करना है तो ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल। सो 1 कैलोरी हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है, ठीक है, अपन उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं, so let's see the solved examples. Okay, how much heat will be needed to raise the temperature of 1.5 kg of water from 15 degrees Celsius to 45 degrees Celsius? Give the answer in calories as well as joules. So दोनों में आंसर देना है, जूल्स और कैलोरी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मच हीट विल बी नीडेड, 1.5 kg ऑफ वाटर को रेज करने के लिए कितना टेम्परेचर लगेगा, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, मतलब कितना टेम्परेचर उसको रिक्वायर्ड है। इसके ऊपर वाले अपन एक लाइन थी यहाँ पे लिखी है, ठीक है, सी दैट लाइन, कि 1 कैलोरी हीट इज़ द हीट रिक्वायर्ड, 1 कैलोरी हीट, ये इतनी हीट है जो कि टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ वाटर को टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए
रिक्वायर्ड है, ठीक है, टू थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। देन पहले मास ऑफ वाटर कितना दिया, 1.5 kg। सो 1.5 kg अपन क्या कर देंगे, उसको ग्राम में कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अपन ने इसके ऊपर में कुछ लाइन देखी थी जो कि ग्राम में था, ठीक है। 1 ग्राम को 1 कैलोरी क्या करती है, हीट इंक्रीज करती है। सो अपन इसको पहले केजी को ग्राम में कर देंगे, तो 1.5 kg हो जाएगा 1500 ग्राम। आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 kg इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम। सो 1.5 kg इंटू 1000 इक्वल्स टू इतना मिलेगा आपको, 1500 ग्राम, ओके। देन चेंज इन टेम्परेचर कितना, कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर चेंज हुआ है, 15 डिग्री सेल्सियस से तो 45 डिग्री सेल्सियस तक का चेंज हुआ है। तो चेंज का डिफरेंस निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है, मतलब कितना चेंज हुआ है। तो 45 डिग्री माइनस 15, मतलब बड़े से छोटा माइनस करते हैं, ऑब्वियस है ना। सो 45 में से 15 को माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 30। तो 30 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है दोनों टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। देन हीट रिक्वायर्ड फॉर टेम्परेचर चेंज, अपने को ये फाइंड करना है कि कितना हीट रिक्वायर्ड है इस टेम्परेचर चेंज का। सो हीट रिक्वायर्ड फॉर टेम्परेचर चेंज इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इन ग्राम इंटू चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये कैलोरी के लिए, ठीक है, इसके ऊपर जो सेंटेंस अपन ने देखा था तो वहाँ पे लिखा था कि 1 कैलोरी। सो क्या है इसका फॉर्मूला, हीट रिक्वायर्ड फॉर टेम्परेचर चेंज, तो मास ऑफ ग्राम, मास ऑफ ग्राम जितना भी है इंटू पर ग्राम में इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। सो मास ऑफ ग्राम निकला है अपना 1500 इंटू चेंज इन टेम्परेचर है 30 कैलोरी, ठीक है, अपन ने जो निकाला है वो 30 कैलोरी में निकाला। सो तो ये हो गया 4500 कैलोरी, ठीक है। आंसर अपन ने ये फॉर्मूला कैलोरी के लिए था, तो कैलोरी के लिए निकाला है, तो आंसर कितना आया, 45,000, ठीक है, 45,000 कैलोरी इसका आंसर आया। अब ये इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि कैलोरी में और साथ ही साथ जूल्स में भी अपने को उसका आंसर निकालना है। तो आपने अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल, तो बस इसको 4.18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा जूल्स में, ओके। तो अपने दोनों भी आंसर मिल गए। तो नेक्स्ट एग्जांपल दिया है, इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर चेंजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वाटर का टेम्परेचर चेंज हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, एंड दिया है कि ऑन गिविंग कैलोरी दिया है 300 कैलोरी ऑफ हीट दिया है, ठीक है। अब टेम्परेचर चेंज गिवन है एंड 300 कैलोरी हीट भी गिवन है, मतलब इतना उसका ये था अमाउंट ऑफ हीट जितनी गिवन है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द मास ऑफ वाटर, तो वाटर का मास कितना, जैसे इसके ऊपर वाले एग्जांपल में आपने देखा था कि 1.5 kg दिया था, मतलब अपन इसको ग्राम में निकाल के 1500 ग्राम ये था मास, ठीक है, वाटर का, तो अभी मास निकालना है। तो सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, बस इतना है कि वैल्यूज डिफरेंट है, ठीक है। जैसे अभी देखो यहाँ पे बोला है कि अमाउंट ऑफ हीट गिवन कैलोरीज, ठीक है, कैलोरी में गिवन है। सो देन मास ऑफ वाटर ग्राम इंटू चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये फार्मूला है, पुट कर देंगे वैल्यू, अमाउंट ऑफ हीट गिवन है, अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन इज 300 कैलोरी इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर निकालना है तो उसको एम ले लेंगे, देन इंटू कर दिया 10, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर दिया है, ठीक है। सो अभी क्या कर देंगे, एम फाइंड करना है, तो m को अकेला करने के लिए 10 को हटाना पड़ेगा, ठीक है, m फाइंड करना है तो इसको अकेला रखना पड़ेगा, अकेला करने के लिए 10 को गायब करना पड़ेगा, 10 कैसे गायब होगा, अब देखो 10 है m के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो उसको हटाने के लिए इसको इधर भेजना पड़ेगा, और इधर भेजने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड। सो 300 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आंसर आ रहा है 30 ग्राम। सो मास ऑफ वाटर आया है 30 ग्राम, ठीक है, दैट्स इट। सो ये था न्यूमेरिकल। नेक्स्ट अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ हीट, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ हीट, ठीक है, कौन से सोर्सेस है हीट के।
फर्स्ट इज सन, द सन इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट रिसीव बाय द अर्थ. सन एक मतलब सन सबसे बड़ा सोर्स है हीट का जो कि अर्थ को मिला है. ठीक है, सो द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन टेकिंग प्लेस इन इट्स सेंटर. इन दिस प्रोसेस हाइड्रोजन न्यूक्लियाई फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई जनरेटिंग हीट इन द प्रोसेस. सम ऑफ इट रीचेज द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट. सो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होता है कहाँ पे? सेंटर में. ठीक है, सन के सेंटर में ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसकी वजह से हीट जनरेट होती है. सो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हाइड्रोजन न्यूक्लाई होता है वो फ्यूज हो जाता है साथ में. ठीक है, इन दिस प्रोसेस हाइड्रोजन न्यूक्लाई फ्यूज टूगेदर एंड क्या फॉर्म करता है, हीलियम न्यूक्लाई फॉर्म करता है. सो जनरेटिंग हीट इन द प्रोसेस. तो ये क्या करता है, इस प्रोसेस में हीट जनरेट करता है. जब फ्यूज वगैरह होता है साथ में तो वो हीट जनरेट होता है. सो सम ऑफ इट रीचेज द अर्थ. कुछ कुछ वजह कुछ कुछ हीट लाइट के फॉर्म में पहुंचती है अर्थ पे और कुछ कुछ हीट के फॉर्म में. ओके, सो ये था सन जो कि बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ हीट है. देन आता है अर्थ. एज द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज हाई, द अर्थ इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ हीट. सो दिस हीट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. सो अर्थ के सेंटर में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, तो एक तरीके से अर्थ भी एक सोर्स ऑफ हीट है एंड इस हीट को बोला जाता है जियोथर्मल एनर्जी. जाता है केमिकल एनर्जी. वेन फ्यूल्स लाइक वुड कोल पेट्रोल एक्सेट्रा बर्न, देर इज केमिकल रिएक्शन बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन. हीट इज जनरेटेड इन दिस रिएक्शन. देन इलेक्ट्रिक एनर्जी. इन योर डेली लाइफ यू हैव सीन सेवरल इक्विपमेंट विच प्रोड्यूस्ड हीट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक हीटर एक्सेट्रा. दस इलेक्ट्रिसिटी इज अ सोर्स ऑफ हीट. इलेक्ट्रिसिटी भी एक सोर्स ऑफ हीट है. नेक्स्ट पेज नंबर इज 96. फिफ्थ इज एटोमिक एनर्जी. अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम व्हेन द न्यूक्लाई ऑफ सम एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम थोरियम एक्सेट्रा अंडरगो फ्यूजन. ठीक है, जब ये सब एलिमेंट्स फ्यूजन, जब इन सब का फ्यूजन होता है तो बहुत ही वेरी शॉर्ट टाइम में ये लोग क्या करते हैं, हीट बहुत बड़े अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते हैं. सो दिस इज़ यूज्ड इन एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट एंड ये एटॉमिक एनर्जी एनर्जी प्रोजेक्ट में यूज होता है. देन एयर. अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस. देन आता है टेम्परेचर. We can find out how hot or cold can an object is by touching the object. अपन find कर सकते object को touch करके कि कितना ठंडा और कितना गर्म है. ठीक है, however our sense of hot or cold is relative. So this can be understood from the following experiment. Let's see the experiment. Try this. Take three similar vessels. Let us call them A, B and C. Fill A with hot water and B with cold water. A with hot, B with cold. And C में mix. ठीक है, दोनों का थोड़ा थोड़ा A और B में से मिला के थोड़ा थोड़ा. ठीक है, Dip your right hand in A and left hand in B and keep them immersed for 2 to 3 minutes. Now Dip both the hands in C. What do you feel? Even though both the hands are deep in water in the same vessel, that is water at the same temperature, your right hand will find the water to be cold,
वाइल द लेफ्ट हैंड विल फाइंड इट टू बी हॉट, ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड फील करेगा कोल्ड वाटर, सॉरी राइट हैंड फील करेगा कोल्ड वाटर एंड लाइट लेफ्ट हैंड फील करेगा हॉट वाटर. सो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, थिंक अबाउट इट. क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था, डीप योर राइट हैंड इन ए एंड लेफ्ट हैंड इन बी एंड 2 to 3 मिनट तक उसको डुबा के रखो और देखो कि, एंड फिर क्या करना, एक साथ डालने का आपको सी के अंदर, दोनों भी हाथ एक साथ डिप करना है, ठीक है, और आपको क्या फील होता है. सो जब आपने दोनों भी हैंड्स को डिप किया उस सेम वेसल के अंदर, तो क्या हुआ, वाटर एट द सेम टेम्परेचर योर राइट हैंड विल फाइंड द, देखो दोनों इस वेसल में सेम दोनों का मिक्स है इसके अंदर, ठीक है, तो राइट हैंड को कोल्ड फील होगा, ठीक है, ठंडा, इस राइट हैंड को लगेगा कि ठंडा है ये पानी, और लेफ्ट हैंड वाले को लगेगा कि ये पानी क्या है, थोड़ा सा गर्म है. सो व्हाट इज द रीजन, तो ऐसा क्यों होगा. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट वी कैन नॉट डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्यूरेटली बाय सिंपली टचिंग इट. सो इस एक्सपेरिमेंट ये एक्सपेरिमेंट करने का ये मोटिव है कि अपन ये एक्टिविटीज से अपन को पता चला है कि अपना जो टच है, टचिंग सेंस है, वो एकदम एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं बता सकता. अपन टच करके कोई भी टेम्परेचर, अभी देखो इसके अंदर मिक्स है, पर दोनों के हाथ को क्या लग रहा है, ये लग रहा है कि वो इसको लग रहा है कि ये थोड़ा सा ठंडा है और इसको लग रहा है कि ये गर्म है, पर है द सेम टेम्परेचर का. तो अपना जो सेंस है, टचिंग सेंस है, वो एक्यूरेटली नहीं बता नहीं बता सकता है कि एक्चुअल टेम्परेचर कितना है, ठीक है. ऑल्सो यू मे हर्ट योर सेल्फ बाय टचिंग वेरी हॉट और कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है. सो वी फील द नीड ऑफ सम डिवाइस फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. सो कभी कभी आप अपने आप को भी हर्ट कर सकते हो ज़्यादा ही गर्म और ज़्यादा ही ठंडे ऑब्जेक्ट को टच करके. सो हमें ऐसा लगा कि टेम्परेचर मेजरिंग के लिए कोई डिवाइस होना चाहिए. थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, ठीक है. थर्मोमीटर एक डिवाइस है जो कि टेम्परेचर मेजर करता है. यू हैव रीड अबाउट थर्मोमीटर इन द प्रीवियस क्लास. इन दिस लेसन यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ थर्मोमीटर. What are potential and kinetic energies? Heat and temperature. What is the difference between heat and temperature? Heat और temperature के बीच में difference क्या है? We know that a substance is made of items. The items is a in a substance are always in motion. Total kinetic energy of items in a substance is a measure of the heat contained in that substance, while the temperature of a substance is related to the average kinetic energy of item. तो total kinetic energy रहती है जो item की, वो मतलब substance के अंदर की जो total kinetic energy है item की, उसे is a measure of a heat contained in that substance. तो वो ही होता है, मतलब उसमें कितना heat है वो दर्शाता है, ठीक है. और जो टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइटम. और टेम्परेचर किससे रिलेटेड होता है, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आइटम की है वो होता है टेम्परेचर, ठीक है. अब समझ में, आपको समझ में आ गया डिफरेंस. इफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइटम्स इन टू ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल देन द टेम्परेचर विज ऑल्सो भी इक्वल. अगर दोनों ऑब्जेक्ट के आइटम की काइनेटिक एनर्जी एवरेज सेम हो, तो दोनों के टेम्परेचर भी क्या हो जाएंगे, सेम होंगे. फिगर नंबर ए एंड बी शो द वेलोसिटीज ऑफ आइटम इन अ गैस एट हाई एंड लो टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली. ए एंड बी में, ठीक है, हॉट गैस एंड कूलर गैस, तो आप देख सकते होंगे वेलोसिटी दोनों की. द डायरेक्शन एंड द लेंथ ऑफ द एरोस अटैच टू द एटम्स shows the direction and magnitude of the velocity of the atoms. तो direction of velocity ये दर्शाते हैं, जो arrows दिए ना
ये वेलोसिटी और डायरेक्शन बता रहे हैं, शो कर रहे हैं, ठीक है। जितना लंबा एरो है उतना उतनी वेलोसिटी। अभी यहाँ पे थोड़े थोड़े एरोज है, मतलब इसकी वेलोसिटी कम है। द वेलोसिटी ऑफ आइटम इन द गैस एट हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर इज लार्जर, ठीक है, दिख ही रहा है कि लार्जर वेलोसिटी है दैन द वेलोसिटी ऑफ आइटम इन द गैस एट लोअर टेम्परेचर। सो यहाँ पे दिया है कि मोशन ऑफ आइटम्स इन गैस एंड सॉलिड, गैस एंड सॉलिड के बीच का, अभी सॉलिड के बीच के आइटम्स अपन देखेंगे। द वेलोसिटीज ऑफ आइटम्स इन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट आर शोन बाय एरोज इन फिगर सी। सो आइटम्स, द आइटम्स इन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट आर टायर्ड टू वन अनादर बिकॉज ऑफ द फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन देम, सो दे कैन नॉट बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर प्लेसेस। तो वो अपने प्लेसेस से हट नहीं सकते क्योंकि सॉलिड वाले एटम्स कैसे फिक्स रहते हैं, उनके जो भी प्लेस है वो फिक्स होती है क्योंकि उनके बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स या फिर कोई भी स्पेस नहीं होता, इसलिए बिकॉज ऑफ हीट दे ऑसिलेट अराउंड देयर फिक्स पोजिशन। हायर द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड फास्टर इज देयर वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन। सपोज ए एंड बी आर टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मेड फ्रॉम द सेम सब्सटेंस। द मास ऑफ ए इज ट्वाइस द मास ऑफ बी, विच मीन्स दैट द नंबर ऑफ आइटम्स इन ए इज ट्वाइस द नंबर ऑफ आइटम्स इन बी। और सपोज करो टू ऑब्जेक्ट्स है जो कि सेम सब्सटेंस के बने हैं एंड ए का जो मास है वो डबल है बी के मास से, ठीक है, ए का जो मास है वो डबल है बी के मास से। तो ये बोला है कि मतलब ही जो ए के अंदर जितने नंबर ऑफ आइटम्स है वो क्या है, ट्वाइस है जितना बी के अंदर नंबर ऑफ आइटम्स है, ठीक है, क्योंकि डबल है इसलिए ट्वाइस। इवन इफ द टेम्परेचर ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, अगर ए और बी के टेम्परेचर अगर इक्वल है फिर भी, मतलब दैट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइटम इन ए इज सेम एज दैट इन बी, मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी दोनों की अगर सेम है, सो द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइटम इन ए इज ट्वाइस दैट इन बी, ठीक है। दस द हीट कंटेन ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी इवन दो, सो दे बोथ हैव द सेम टेम्परेचर। हीट कंटेंट तो दोनों के अंदर क्या होगा, सेम ही होगा, जो सेम टेम्परेचर दोनों के अंदर सेम ही टेम्परेचर होगा क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है, ट्वाइस थोड़ी है ना, सेम है, तो इसलिए क्या होगा उसका टेम्परेचर भी सेम होगा। नेक्स्ट है ट्राइजिस। फर्स्ट टेक टू स्टील वेसल्स ए एंड बी ऑफ द सेम साइज, ठीक है, स्टील वेसल लेने का, ए और बी सेम साइज का। फिल सम वाटर इन ए एंड डबल दैट अमाउंट इन बी, ठीक है। ए में सपोज दो वेसल्स लिए अपन ने, ठीक है, अभी ए में इतना पानी है, इतना पानी भरा है, अभी बी में इसका डबल करना है, ठीक है, बी में इसका डबल कर दो। मेक श्योर दैट द वाटर इन बोथ वेसल्स आर एट द सेम टेम्परेचर, दोनों का जो पानी है दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। देन रेज द टेम्परेचर्स ऑफ वाटर इन बोथ वेसल्स बाय 10 डिग्री सेल्सियस यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प। एक स्पिरिट लैम्प लगाना है नीचे, ठीक है, दोनों केस में, और दोनों कि वेसल्स को 10 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर देना है, ठीक है। डिड यू टेक द सेम टाइम टू इंक्रीज द टेम्परेचर इन द बो इन द टू वेसल्स, दोनों भी सेम टाइम लगाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज करने में। यू मस्ट हैव रिसीव्ड सॉरी यू मस्ट हैव रिक्वायर्ड मोर टाइम टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बी, ठीक है। अब देखो बी के अंदर ज़्यादा पानी है और ए के अंदर कम है, तो ऑब्वियसली बी को ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, ए के कंपेरेटिवली बी को ज़्यादा टाइम लगेगा टेम्परेचर रेज करने के लिए। दिस मीन्स दैट फॉर द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर यू हैड टू गिव मोर अमाउंट ऑफ हीट टू बी। तो जैसे मतलब जो टेम्परेचर अगर आपको
बढ़ाना है सेम टेम्परेचर दोनों में, अगर इंक्रीज करना है तो बी केस में ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें अमाउंट ज़्यादा है ना, वाटर का अमाउंट ज़्यादा है इसलिए. दस इवन दो द वाटर इन ए एंड बी हैव द सेम टेम्परेचर, द अमाउंट ऑफ हीट इन बी इज मोर दैन दैट इन ए. देखो दोनों के अंदर सेम टेम्परेचर का वाटर था, फिर भी बी को ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा हीट लग रही है ए के कंपेरेटिवली. टेम्परेचर इज मेजर इन यूनिट्स ऑफ सेल्सियस, जो सेल्सियस के यूनिट में टेम्परेचर का मेजर किया जाता है. फ़ारेनहाइट के इसमें भी किया जाता है, केल्विन के अंदर में के तीन यूनिट है टेम्परेचर मेजर करने के. केल्विन इज यूज इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वाइल द अदर टू आर यूज इन डेली लाइफ. ठीक है, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट ये जो भी है ये डेली लाइफ के एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ किया जाता है, और जो केल्विन है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया जाता है. रिलेशन बिटवीन द थ्री यूनिट्स इज शोन बाय द फॉलोइंग फार्मूला. तीनों यूनिट का रिलेशन नीचे गिवन है फार्मूला से शो किया गया. एफ मतलब फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू सी मतलब सेल्सियस डिवाइडेड बाई 5. अब ये दोनों का होगा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का रिलेशन. अभी केल्विन का है के इक्वल्स टू सी सेल्सियस प्लस 273.15. सम साइंटिफिक टेम्परेचर्स आर गिवन इन द थ्री स्केल्स इन द फॉलोइंग टेबल. वेरीफाई दैट दे सेटिस्फाई द अबव रिलेशंस एंड फिल अप्रोप्रिएट नंबर्स इन द ब्लैंक्स. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया है यहाँ पे फ़ारेनहाइट का 212, डिग्री सेल्सियस का 100, केल्विन का 273.15. अभी आपको इस फॉर्मूला में रख के सभी के वैल्यूज निकालना है. जैसे देखो यहाँ पे दिया है सेल्सियस, ठीक है, इन दोनों के अंदर सेल्सियस गिवन है, तो ये दोनों भी फॉर्मूले के अंदर सेल्सियस है, तो आप फ़ारेनहाइट निकाल सकते हो और केल्विन भी निकाल सकते हो. तो ये आपको निकालना है, दिस इज फॉर ये आपके प्रैक्टिस के लिए, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस एंड दिस इज ऑल्सो जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस कि सेल्सियस दिया है एंड फ़ारेनहाइट एंड केल्विन आपको फाइंड करना है. ओके, अभी यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं. ओके, सो हाउ मच विल द टेम्परेचर ऑफ 68 डिग्री फ़ारेनहाइट बी इन सेल्सियस एंड केल्विन. तो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और केल्विन में वो कैसा कैसे फाइंड करेंगे. टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट दिया है एफ मतलब 68 दिया है एंड टेम्परेचर इन सेल्सियस निकालना है एंड केल्विन में निकालना है. सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ दिस, ठीक है, इससे आप क्या निकाल सकते हो फ़ारेनहाइट का, हमें फ़ारेनहाइट दिया है तो सेल्सियस निकाल सकते हो. सो फ़ारेनहाइट दिया है तो सेल्सियस निकालना है, तो आपको फ़ारेनहाइट के जगह पे उसकी वैल्यू फिट करेंगे. जैसे 68 माइनस 32 अपन 9 इक्वल्स टू सी बाय 5. तो 68 माइनस 32 हो जाता है 36 अपॉन 9 है. अभी सी को अकेला करना है, 5 को इधर भेजना पड़ेगा, तो ये डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सिंपल है. देन 5 इंटू 36 बाय 9 इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस. तो सी निकल गया 20 डिग्री सेल्सियस. अभी के निकालेंगे केल्विन के फॉर्मूले से. के इक्वल टू सी प्लस, देखो ऊपर में फॉर्मूला दिया है, ठीक है, देन सी प्लस 273.15 इक्वल टू 20 आया, 20 प्लस 273.15 तो आया 293.15. तो दस द टेम्परेचर इन सेल्सियस है 20 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 293.15 केल्विन. नेक्स्ट पेज नंबर इज 98. नेक्स्ट एग्जांपल दिया है सॉल्व एग्जांपल. एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स वैल्यू बी सेम इन सेल्सियस एंड इन फ़ारेनहाइट. तो अभी देखो यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, मतलब कोई वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है. अभी आप ही को फाइंड करनी, पर यहाँ पे क्या दिया है, एक मेन सेंटेंस दिया है कि अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की जो जो भी टेम्परेचर है अगर वो सेम है, अगर वो सेम रहेगा तो टेम्परेचर मतलब कितना टेम्परेचर होगा. अगर दोनों भी सपोज करो कि दोनों कोई भी वैल्यू है दोनों उसका सेम टेम्परेचर है तो टेम्परेचर कितना है. तो If the temperature in Celsius is C, so then the temperature in Fahrenheit F will be the same.
तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो एफ और सी क्या है, सेम है, ठीक है। अभी ये फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें एफ और सी का यूज हुआ है। अभी एफ इक्वल टू सी है तो एफ के जगह सी लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, तो एफ के जगह लिख लिया है सी। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 9 उधर चले गया, 5 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, 9 उधर चले गया। अब ये ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सी इंटू 5 इज 5c माइनस 32 इंटू 5 इज 160 इक्वल्स टू सी इंटू 9 इज 9c। अभी सी सी वालों को एक साइड कर लेंगे और नंबर को हटा देंगे, एक साइड कर लेंगे। अभी देखो 9c है, अभी ये 5c को लेके गए इधर पे, ठीक है, 9c माइनस हो गया 5c, ठीक है, 9c यहाँ पे आ गया माइनस 5c, ओके। ये अगर इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, 9c माइनस 5c इज 4c, और ये 160 जैसे के वैसा, ठीक है, माइनस 160 है, ठीक है। सो 4c इक्वल टू माइनस 160, सी निकालना है अपने को तो 4 हटाना पड़ेगा, मतलब सी को अकेला करना है, 4 है मल्टीप्लीकेशन में सी के साथ तो इधर चले जाएंगे तो हो जाएगा डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू माइनस 160 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 4, 4 4 16 और ये 0, तो क्या आ रहा है -40। सो -40 हो जाएगा, टेम्परेचर है, ठीक है, तो द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड इन फ़ारेनहाइट विल बी सेम एट 40, -40 डिग्री, ओके। नेक्स्ट आते हैं थर्मामीटर पे, यू मस्ट हैव सीन द थर्मामीटर दैट इज यूज व्हेन समवन एट होम हैज फीवर। आपने थर्मामीटर कब देखा है, आपने देखा, आप सभी के घर में रहता ही है, ठीक है, आजकल तो सभी के घर में थर्मामीटर रहता ही है। सो ये आपने कब देखा होगा, जब आपके घर में किसी को फीवर हो या फिर आपको कभी फीवर हुआ हो तो थर्मामीटर से चेक किया जाता है, ठीक है। सो दैट थर्मामीटर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर, उस थर्मामीटर को बोला जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर। सो डिफरेंट थर्मामीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस, सो अलग अलग थर्मामीटर यूज किए जाते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। लेट अस फर्स्ट लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ अ थर्मामीटर। सो थर्मामीटर इज शोन इन फिगर नंबर 14.4। सी 14.4 डिफरेंट थर्मामीटर्स, सो देखो यहाँ पे दिए है कि ए दिया है अ थर्मामीटर, ये है थर्मामीटर, देन बी है, ये है क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, ये है डिजिटल थर्मामीटर, बहुत लोगों के पास डिजिटल भी थर्मामीटर होता है आजकल तो ये निकला ही है। देन मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर, जो पुराने लोग हैं ना वो उनके पास ये वाला हो सकता है क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है, ये होगा अभी भी बहुत लोगों के पास, एंड ये डिजिटल तो अभी तो सभी के पास होगा, और ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट 4 टाइप्स के थर्मामीटर यहाँ पे गिवन है। अ थर्मामीटर इज शोन इन फिगर नंबर 14.4a, ठीक है, दिस वन हैज अ नैरो ग्लास ट्यूब विच हैज अ बल्ब एट वन एंड, ठीक है, नैरो ग्लास ट्यूब रहता है, एक साइड में बल्ब होता है, द बल्ब एंड पार्ट ऑफ द ट्यूब इज फिल्ड विद द लिक्विड, ठीक है, बल्ब और उसके जो भी पार्ट है ट्यूब का वो लिक्विड से फिल होता है। अर्लियर मर्क्यूरी वॉज यूज बट एज इट इज हार्मफुल फॉर अस इट हैज़ बिन रिप्लेस विथ अल्कोहल। बहुत पहले उसकी जगह ये जो लिक्विड है वहाँ पे मर्क्यूरी का यूज होता था, बट ये थोड़ा हार्मफुल होता है इसलिए इसके जगह अल्कोहल का, उसको रिप्लेस करके अल्कोहल का यूज़ किया जा रहा है। द रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब हैज वैक्यूम एंड इट्स अदर एंड इज क्लोज, द बल्ब इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर इज टू बी मेजर सो दैट इट्स टेम्परेचर बिकम्स सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। सो जो बल्ब है वो उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रहता है जिस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर वो अपन मेजर कर रहे हैं, सो दैट इट्स टेम्परेचर बिकम्स सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज टेम्परेचर द अल्कोहल इनसाइड इट एक्सपांड
अगर कोई ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बड़ा है तो क्या हो जाता, जो इसमें का जो लिक्विड है अल्कोहल है, वो क्या हो जाता, एक्सपांड हो जाता, मतलब उसका लेवल बढ़ जाता है. एक्सपांड एंड इट्स लेवल इन द ट्यूब राइजेस यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्सपांशन ऑफ अल्कोहल टू बी डिस्कस बिलो. टेम्परेचर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द लेवल ऑफ द अल्कोहल. तो लेवल ऑफ द अल्कोहल से क्या किया जाता है, टेम्परेचर को डिसाइड मेजर किया जाता है. ट्यूब ऑफ द थर्मामीटर इज मार्क्ड अकॉर्डिंगली. तो इसका एक जो ट्यूब है वो अकॉर्डिंगली मार्क किया है, जैसे -10, देन 0, 10, 20, 30, 40, ऐसा. ठीक है, एक स्केल की जैसा. फिगर 14.4b शोज एज क्लिनिकल थर्मामीटर. ठीक है, दिस वन इज अ क्लिनिकल थर्मामीटर. एज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस, क्लिनिकल थर्मामीटर्स आर डिजाइन टू मेजर टेम्परेचर्स बिटवीन 35 डिग्री सेल्सियस एंड 42 डिग्री सेल्सियस. जो क्लिनिकल थर्मामीटर रहते हैं ना, उनको ऐसा डिज़ाइन किया जाता था कि जो मतलब 35 डिग्री और 42 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर मेजर करने के लिए. सो दीज डेज इंस्टेड ऑफ द अबाउ टाइप डिजिटल थर्मामीटर्स आर यूज फॉर क्लिनिकल पर्पसेस. सो वन सच थर्मामीटर इज शोन इन फिगर नंबर 14.4c. दिस वन इज अ डिजिटल. ओके, नेक्स्ट पेज नंबर इज 99. व्हेन अ हॉट ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद अ कोल्ड ऑब्जेक्ट दे बोथ एक्सचेंज हीट. जब हॉट ऑब्जेक्ट को कोल्ड ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में रखा जाता है तो दोनों भी एक दूसरे का हीट क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. द हॉट ऑब्जेक्ट गिव्स अवे हीट वाइल द कोल्ड ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब हीट. तो हॉट ऑब्जेक्ट क्या करता है, हीट देता है और कोल्ड ऑब्जेक्ट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को. दस टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस. सो क्या होता है, हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, देन वाइल दैट ऑफ द कोल्ड ऑब्जेक्ट इंक्रीज होता है. कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है. दिस मीन्स दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स इन द कोल्ड ऑब्जेक्ट गोज एन इंक्रीजिंग वाइल दैट इन द हॉट ऑब्जेक्ट गोज एन डिक्रीजिंग. अ टाइम कम्स वेन द एवरेज काइनेटिक एनर्जीज ऑफ एटम्स इन बोथ ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल. ऐसा टाइम आ जाता है जब दोनों के बीच का एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाते हैं. सो विच मीन्स दैट द टेम्परेचर ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट बिकम्स इक्वल. देन आता है स्पेसिफिक हीट. स्पेसिफिक हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल सी. इट्स यूनिट इन SI इज जूल एंड इन CGS इज कैलोरी, या फिर कैलोरी और ग्राम डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल सी. जो स्पेसिफिक हीट होती है उसको सी के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. एंड उसका ऐसा यूनिट है जूल, या फिर उसको KG डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं. एंड उसका CGS यूनिट है कैलोरी, इसको अपन ग्राम डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं. सपोज क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम एंड स्पेसिफिक हीट सी फ्रॉम Ti टू Tf. अगर अब क्यू सपोज करो कि क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए Ti टू Tf तक. ठीक है, सो दिस अमाउंट डिपेंड ऑन द मास एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज ऑन द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड कैन बी रिटन एज फॉर्मूला दिए. ठीक है, क्यू क्या दिया था, सपोज क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड. क्यू क्या है, जितना अमाउंट हीट रिक्वायर्ड है, जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, ये है. एम है ऑब्जेक्ट ऑफ मास, देन सी है स्पेसिफिक हीट, एंड टी एफ एंड टी आई है फाइनल. टी एफ मतलब जो फाइनल टेम्परेचर है, एंड टी आई मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर. ओके, देन डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट. सो वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट इट इन फ्यूचर क्लासेस. द स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यू सब्सटेंस आर गिवेन इन द फॉलोइंग टेबल. सी द टेबल. सब्सटेंस द एल्यूमिनियम, तो इसका स्पेसिफिक हीट है 0.21. देन अल्कोहल का दिया है, देन
गोल्ड हाइड्रोजन देन आयरन कॉपर मर्क्यूरी एंड वाटर. इनका क्या दिया है, स्पेसिफिक हीट गिवन है. देन आता है कैलोरी मीटर. आपको इसमें ज़्यादातर हीट मेजर करने के ही आपको टूल्स वगैरह दिखने वाले इसमें. ओके, सो वी हैव सीन दैट अ थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब मैंने देखा है कि अभी थर्मामीटर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ किया गया है. अ कैलोरीमीटर इज यूज टू मेजर द हीट कंटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. थर्मामीटर टेम्परेचर मेजर करने के लिए ना, अभी कैलोरीमीटर हीट मेजर करने के लिए. ओके, सो यूजिंग दिस इक्विपमेंट वी कैन मेजर द हीट प्रोड्यूस और एब्जॉर्ब इन अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस. अ कैलोरीमीटर इज शोन इन फिगर नंबर 15.5. ठीक है, इसके नेक्स्ट पेज में है. सिमिलर टू द थर्मास थर्मोप्लास्ट. ठीक है, जिसे आप लोग थर्मास बोलते हैं जिसे. ठीक है, अ कैलोरीमीटर हैज टू वेसल्स, एन इनर एंड एन आउटर वन. सो दिस वे नो हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम आउटर टू इनर वेसल. तो कैलोरीमीटर टू वेसल्स का है, एक इनर वाला, एक इनर है एक आउटर है. ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, कोई भी हीट एक दूसरे से, मतलब इनर टू आउटर में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती है, और फ्रॉम द आउटर टू इनर. ठीक है, दस द इनर वेसल इज थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स. मतलब इनर वेसल्स के अंदर कोई भी हीट बाहर की नहीं आ सकती, ना ही अंदर की हीट बाहर जा सकती है. सो द इनर वेसल इज मेड अप ऑफ कॉपर. अंदर का जो वेसल है कॉपर से बना है. और थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर आर अ स्टीरर फॉर स्टीरिंग द लिक्विड इन द कैलोरीमीटर आर फिटेड ऑन हीट. वॉट वाटर एट अ फिक्स टेम्परेचर इज प्लेस इन साइड द कैलोरीमीटर. दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर ऑफ द इनर वेसल एंड दैट ऑफ वाटर इन इट आर द सेम. सो वेन अ हॉट ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन वाटर, सो हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द हॉट ऑब्जेक्ट वाटर एंड द कैलोरीमीटर. मतलब जो भी हीट है एक्सचेंज हो जाएंगी, क्योंकि हॉट ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर प्लेस किया है, तो एक्सचेंज हो जाएंगी हीट. देन वाटर एंड द कैलोरीमीटर एंड ऑल थ्री रीच द सेम टेम्परेचर. बाकी जितने भी है कैलोरीमीटर के, वाटर देन बाकी जितने भी थ्री कैलोरीमीटर जो भी है उसके अंदर, तो वो क्या हो जाएंगे, सेम टेम्परेचर पे पहुंच जाएंगे. एज द कैलोरीमीटर इज थर्मली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, द टोटल हीट लॉस बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय द कैलोरीमीटर एंड वाटर इनसाइड इट. सिमिलरली इफ यू पुट अ कोल्ड ऑब्जेक्ट इन द कैलोरीमीटर, द कोल्ड ऑब्जेक्ट विल रिसीव हीट फ्रॉम द वाटर एंड इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज, वाइल वाटर एंड कैलोरीमीटर विल लूज हीट एंड देयर टेम्परेचर विल डिक्रीज. सपोज करो कि मास ऑफ द इनर वेसल है एम सी. ठीक है, कैलोरीमीटर का जो भी अंदर का जो मास है इनर वेसल का, वो है एम सी. ओके, एंड इट्स इनिशियल टेम्परेचर है टी आई, इनिशियल टेम्परेचर टी आई, एंड मास ऑफ वाटर है एम डब्ल्यू. सो टेम्परेचर ऑफ वाटर विल ऑल्सो बी टी आई. सो वाटर का भी टेम्परेचर टी आई रहेगा, क्योंकि सेम अंदर का टेम्परेचर सेम है. सपोज वी प्लेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम ओ, एम ओ मास ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, एंड टेम्परेचर टी ओ, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इन द कैलोरीमीटर. इफ अगर टी ओ हायर है टी आई से, तो द ऑब्जेक्ट विल गिव अवे हीट टू द कैलोरीमीटर एंड वाटर. तो जो ऑब्जेक्ट है वो अपना हीट किसको दे देगा, कैलोरीमीटर और वाटर को दे देगा. सो सून द टेम्परेचर ऑफ ऑल थ्री विल बिकम द सेम. और जल्द ही तीनों के टेम्परेचर, तीन मतलब क्या क्या, जो ऑब्जेक्ट है वो, वाटर एंड कैलोरीमीटर, तीनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जल्द ही सेम हो जाएगा. नेक्स्ट पेज नंबर इज 100. लेट अस कॉल दिस फाइनल टेम्परेचर टी एफ. ठीक है, फाइनल टेम्परेचर को टी एफ बोलते हैं.
So the total heat given away by the object QO will be equal to the sum of the heat gained by the calorimeter QC and by water QW. So we can write this as QO equals to QC plus QW. QO मतलब total heat give away by object O and total heat give away by calorimeter and total heat give away by water. सॉरी गेन, ठीक है, टोटल हीट गेन बाय कैलोरीमीटर एंड टोटल हीट गेन बाय वाटर. सो ये है एक एक यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया. देखो ये कैलोरीमीटर का फिगर है, डायग्राम है, ठीक है. दो वेसल्स दिख रहे हैं, एक आउटर वेसल है और ये वाला क्या है, इनर वेसल है. ओके, ये एक हीट रेजिस्टेंट रिंग है, ये हीट रेजिस्टेंट लीड है. यहाँ पे लीड मतलब जो ढक्कन जैसा होता है, ठीक है, वो. देन ये स्टीरर है जिससे स्टीरर मतलब जिससे अपन स्टर कर सकते हैं, घुमा सकते हैं. देन ये थर्मामीटर, ओके, और यहाँ पे बीच में एयर कैविटी. सो ये है फिगर कैलोरीमीटर का. एज सीन अबाउ, क्यू जीरो क्यू सी एंड क्यू डब्ल्यू डिपेंड्स ऑन मास स्पेसिफिक हीट एंड चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी. डेल्टा टी बोले तो इसको चेंज इन टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है. चेंज डेल्टा जो है वो चेंज रिप्रेजेंट करता है, डिनोट करता है. इफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल ऑफ कैलोरीमीटर वाटर एंड द ऑब्जेक्ट आर सी 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 डब्ल्यू एंड सी ओ रिस्पेक्टिवली. सो वी कैन राइट यूजिंग फॉर्मूला. देखो अगेन यहाँ पे एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है क्यू ओ के लिए, एम ओ इंटू डेल्टा टी जीरो टी ओ इंटू सी ओ कॉमा डेल्टा टी ओ रहेगा टी ओ माइनस टी एफ, ठीक है. फाइनल टी ओ मतलब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माइनस करेंगे फाइनल टेम्परेचर. सो वैसे ही सेम इसका एंड वैसे ही सेम इसका फॉर्मूला. तो ये चारों फॉर्मूले को यूज़ करके मतलब इसका ये फॉर्मूले का यूज़ करके क्या बन रहा है, पे एक फॉर्मूला बन रहा है एम ओ इंटू डेल टी जीरो इंटू सी जीरो, ठीक है, इज इक्वल्स टू. अब देखो ये फॉर्मूले का कैसे, अब क्यू जीरो है, चल क्यू ओ है, तो क्यू ओ की वैल्यू यहाँ पे रख दिए. इक्वल्स टू है क्यू सी की वैल्यू रख दिए इधर पे, प्लस है बीच में, देन क्यू डब्ल्यू की वैल्यू रख दिए इधर पे. तो ये फॉर्मूला यहाँ पे तैयार हो गया. सो वी कैन मेजर ऑल द मासेस एंड टेम्परेचर्स इफ वी नो द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मटेरियल of the calorimeter that is copper and that of water. So we can calculate the value of the specific heat of object using formula of number 5. So we will learn about this in more detail in higher standards. So let's see some solved examples. Okay. Suppose the masses of the calorimeter, the water in it and the hot object made up of copper which is put in the calorimeter are the same. अभी ये सब बोल दिया है सेम है, क्या क्या, मास ऑफ कैलोरीमीटर, मास ऑफ वाटर और मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये तीनों भी क्या बोल रहा है, सेम है. सो द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर एंड वाटर इज 30 डिग्री सेल्सियस. सो जो मतलब टी है, टी आई, तो इनिशियल टेम्परेचर टी आई दिया है कैलोरीमीटर और वाटर का 30 डिग्री सेल्सियस. दैट ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट का दिया है 60 डिग्री सेल्सियस. द स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर एंड वाटर आर स्पेसिफिक हीट दिए मतलब सी दिया है, क्या दिया है, 0.09 कैलोरी, ठीक है, 0.09 कैलोरी दिया है एंड 1 कैलोरी दिया रिस्पेक्टिवली, मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दिया और वाटर दिया है. सो मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड कॉपर, सी ये फॉर्मूला देखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ मतलब सी सी मतलब हो जाएगा कॉपर का स्पेसिफिक हीट, ठीक है, देन सी डब्ल्यू, ठीक है, सी डब्ल्यू का दिया है 1 कैलोरी, ठीक है. व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर,
वाटर का फाइनल टेम्परेचर अपने को फाइंड करना है, ठीक है। सो फॉर्मूला है एम इंटू डेल्टा टी ज़ीरो। अभी डेल्टा टी ज़ीरो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी ओ सॉरी टी ओ माइनस टी एफ, ठीक है। देखो टी ओ दिया है 60, तो 60 माइनस टी एफ, देन इंटू आ रहा है सी ओ, सो सी ओ दिया है, मतलब कॉपर अपना ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, तो सी ओ दिया है 0.09 दिया है, इक्वल्स टू देन एम डब्ल्यू। अब देखो यहाँ पे तीनों भी मास सेम है, तो इसको पूरा मिला के हमने ले लिया है एम, कंसिडर कर लिया है सभी का सेम है तो एम ले लिया। सो एम इंटू, अब यहाँ पे है डेल्टा टी डब्ल्यू, तो डेल्टा टी डब्ल्यू है टी एफ माइनस टी आई, सो टी एफ माइनस टी आई दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, इंटू इंटू सी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू दिया है 1, ठीक है ये, देन दिया है देन बोल रहा है प्लस, ठीक है प्लस एम एज इट इज, इंटू टी सी, टी सी है टी एफ माइनस टी आई, टी एफ माइनस टी आई मतलब भी दिया है 30, ठीक है टी आई क्या दिया है 30, इंटू आएगा सी सी 0.09, ओके। सो अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो जो जो हो सक रहा है वो सॉल्व करेंगे। अभी एम है, अभी बोलेंगे आप कि एम कहाँ चला गया, अभी सभी में से, अभी ये जो है ना इसमें से एम सभी में से कॉमन निकाल लिए, टी एफ माइनस 30 इंटू 1 को तो छोड़ दो, 1 रहा तो कुछ भी नहीं, मतलब 1 ही है, ठीक है, देन आएगा प्लस एम को निकाल लिए बाहर, तो हो जाएगा टी एफ माइनस 30 इंटू 0.09, तो ये एम और ये एम कट जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बचा, टी एफ माइनस 30 प्लस प्लस है बीच में, ठीक है टी एफ माइनस 30 इंटू 0.09। सो अभी देखो टी एफ माइनस 30 और टी एफ माइनस 30, अभी दोनों में टी एफ माइनस 30 टी एफ माइनस 30, ठीक है। अभी आप बोलोगे इसको कैसे सॉल्व किया, तो ठीक है अपन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया। अब देखो वो इक्वेशन ऐसा था, ठीक है, एम इंटू टी एफ माइनस 30 प्लस टी एफ माइनस 30 इंटू 0.09। अभी आपने ऐसा देखा है क्या कभी, अगर एम प्लस 0.09 एम, अगर ऐसा हो तो अपन क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है, 1 प्लस 0.09 कर ले तो क्या आ जाएगा 1.09 एम, ठीक है। ऐसा करते हैं अपन कभी भी, अगर इन दोनों को ऐड करना है तो अपन ऐसा करते हैं, ठीक है, ये सभी को पता है। तो सेम यार सेम यही पे भी ये हो रहा है, अब देखो दोनों में भी ये है, ठीक है, दोनों का ये सेम है, तो ये जो 0.09 है और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे बीच में प्लस है करके, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, सिंपल रहेगा, तो ये बन जाएगा टी एफ माइनस 30 इंटू 1.09, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1.09 इंटू टी एफ माइनस 30, एक ही बात है, ठीक है, कुछ भी लिखो एक ही बात है, ठीक है, ये ऐसा बन गया। एंड इसके इधर साइड में था सिक्सटी माइनस टी एफ इंटू 0.09, ठीक है, ऐसा था इसके लेफ्ट साइड में। सो इसके आगे अपन क्या करेंगे, अभी सॉल्व करते, ठीक है, अभी अभी अपन को क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अभी ब्रैकेट को अपन क्या करेंगे, ओपन करेंगे और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे,
अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन? क्या लगता है अभी क्या क्या करेंगे? तो अपन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है? इसको इसके साथ क्या हो जाएंगे, 60 × 0.09, ठीक है? अब ये माइनस है, माइनस टी एफ इंटू 0.09, अभी इक्वल्स टू बीच का देन आएंगे, अभी इसको भी टी एफ इंटू 1.09 माइनस है बीच में, देन 30 × 1.09, ठीक है? ओके, समझ में आ गया? सो अभी जो टी एफ वाला जो टर्म दिख रहा है उसको एक साइड में कर लेंगे। अभी देखो इसको मैं इधर लेके आते, 60 × 0.09 अभी माइनस में है, इक्वल्स टू किधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, प्लस 30 × 1.09 इक्वल्स टू है बीच में, अभी जैसा का वैसा लिख देंगे। अभी माइनस में इधर चले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, सो टी एफ इंटू 0.09, ओके। सो अभी देखो, अभी आपको क्या करना है, अभी इसको आपको सॉल्व करना है। अभी इसको सॉल्व कर लो, ठीक है? इसका आंसर क्या आता है वो देख लो, ठीक है? देन इसको सॉल्व कर लो, देन सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपको एडिशन लिखना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा आपका 5.4। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा आपका 32.7 इक्वल्स टू, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 1.09 टी एफ प्लस 0.09 टी एफ। इसके बाद ये दोनों को ऐड करके आपका आंसर आएगा 38.1 इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1.18 टी एफ। अभी टी एफ निकालना है तो इसको अकेला करने के लिए इसको भेजना पड़ेगा इधर, तो ये हो जाएगा 38.1 डिवाइडेड बाय 1.18, देन आंसर आएगा देयरफोर, क्योंकि टी एफ लिख लेगा, टी एफ का लिख रहा है 32.29 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? इसका आंसर फाइंड करने के बाद आंसर आएगा आपका 32.29 डिग्री सेल्सियस। सो इस टाइप से आएगा आपका आंसर टी एफ, ठीक है? द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी 32.29 डिग्री सेल्सियस। सो नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ हीट। इन प्रीवियस स्टैंडर्ड्स वी हैव स्टडीड टू इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन मैटर, फर्स्ट एक्सपांशन एंड सेकेंड एंड सॉरी फर्स्ट एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकेंड इज चेंज ऑफ स्टेट। सो इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट एक्सपांशन, यू विल लर्न अबाउट चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इन हायर स्टैंडर्ड्स। Let's see the expansion. When heat is given to any substance, its temperature increases and it expands. So its expansion depends on the increase in its temperature. ठीक है, obvious बात है कि जो उसका expansion है वो उसके temperature के increase के ऊपर ही depend करेगा. Solid, liquid and gaseous all expand on receiving heat. ठीक है, ये तीनों भी states heat के receiving पे expand होते हैं. नेक्स्ट पेज नंबर इज 101, एक्सपांशन ऑफ सॉलिड देखते हैं पहले, तो लीनियर एक्सपांशन, द लीनियर एक्सपांशन ऑफ अ सॉलिड इन द इंक्रीज ऑफ लेंथ ऑफ अ वायर और अ रॉड ऑफ अ सॉलिड ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ L1 फ्रॉम T1 टू T2 इट्स लेंथ बिकम्स L2, ठीक है? जब अपन उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं एक रॉड का जिसका लेंथ है L1, ठीक है, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक बढ़ाएंगे, T1 से T2 तक बढ़ाएंगे, फिर उसका लेंथ क्या बन जाएगा, L2 बन जाएगा। सो द चेंज इन लेंथ इट्स प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ एंड द इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा T हो जाएगा T2 - T1। चेंज ऐसे ही फाइंड करते, ठीक है? सो वी कैन राइट द चेंज इन लेंथ एज फॉलोज, चेंज इन लेंथ अल्फा, ओरिजिनल लेंथ एक्स, चेंज इन टेम्परेचर L2 - L1, अल्फा L1 इंटू डेल टी।
सो द एल मतलब अल्फा मतलब क्या होता है चेंज, ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ इन टू चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटा के इक्वल्स टू को लिखेंगे तो कोई कांस्टेंट लगेंगे, यहाँ पे क्या कांस्टेंट क्या लगा है, लैम्ब्रा, ठीक है, इसे बोला जाता है लैम्ब्रा, ये लैम्ब्रा का साइन है। सो एल टू माइनस एल वन इक्वल्स टू लैम्ब्रा इंटू एल वन इंटू डेल टी। सो एल टू हो जाएगा, अभी एल माइनस एल वन हो जाएगा इधर पे, तो एक फॉर्मूला तैयार हुआ है यहाँ पे, एल वन इंटू वन प्लस डेल, तो वन प्लस लैम्ब्रा डेल टी। हियर लैम्ब्रा इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। द एक्सपांशन कोएफिशिएंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस आर डिफरेंट। फ्रॉम द अबव फॉर्मूला वी कैन सी दैट इफ वी टेक टू रॉड्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस बोथ हैविंग द सेम लेंथ एंड इंक्रीज द टेम्परेचर्स बाय द सेम अमाउंट, द रॉड ऑफ द सब्सटेंस हैविंग हायर एक्सपांशन कोएफिशिएंट विल एक्सपांड मोर, दस द इंक्रीज इन इट्स लेंथ विल बी लार्जर। ठीक है, जो भी इंक्रीज होंगे लेंथ में वो तो बड़ा ही होगा। फ्रॉम फॉर्मूला सिक्स दिस वन वी कैन राइट द एक्सपांशन कोएफिशिएंट एज, ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन लैम्डा को ऐसा लिख सकते हैं कि एल टू माइनस एल वन डिवाइडेड बाई एल वन इंटू डेल्टी। एट फॉर एट एट नंबर का इक्वेशन, दस द एक्सपांशन कोएफिशिएंट इज द चेंज इन लेंथ ऑफ अ रॉड ऑफ यूनिट लेंथ when its temperature is increased by 1 degree. From formula 8 we can see that the unit of expansion coefficient is the inverse of the unit of temperature, that is 1 divided 1 per degree Celsius. So the expansion coefficient of some substances are given in the following table. Let's see the table. Coefficient of expansion of some substances, copper ka hai coefficient of linear expansion x 10 टू द पावर सिक्स, वन पर डिग्री सेल्सियस, ये है 17। देन ये सब सॉलिड का है, ये लिक्विड के कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, ये था लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। देन एक्सपांशन कोएफिशिएंट ये गैसेस का, ओके, तीनों स्टेट्स के कुछ एलिमेंट्स के लिए है। सॉल्ड एग्जांपल देखते, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ स्टील रॉड ऑफ लेंथ दिया है 0.5 मीटर when its temperature is increased by 60 degree celsius, जब उसका length जब उसका temperature 60 degree celsius से increase होता है तब। so the coefficient of linear expansion of steel is दिया है, coefficient दिया linear expansion of steel का 0.00013, okay। so इसका increase length क्या है, ठीक है, इसका original length दिया है 0.5 meter, तो व्हाट विल बी द इंक्रीज लेंथ, ठीक है। सो इनिशियल लेंथ दिया 0.5 मीटर, सो चेंज इन टेम्परेचर दिया है 60 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन लेंथ अपन ले लेंगे डेल एल, ठीक है, ये अपने को फाइंड करने का है यूजिंग फॉर्मूला डेल एल इक्वल्स टू, डेल एल बोले तो क्या होता है, एल टू माइनस एल एल वन ही हो जाता है डेल एल, ओके, एल टू माइनस एल वन क्या हो जाएगा डेल एल, ठीक है, मतलब चेंज इन लेंथ ना। सो फॉर्मूला है डेल एल इक्वल्स टू लैमड़ा इंटू एल वन इंटू डेल टी। सो लैमड़ा गिवन है, ठीक है, कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट आपको गिवन दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इंटू हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5 लेंथ एल वन दिया है और डेल टी भी दिया है, ठीक है, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। और हाँ, लेंथ है वो तो मीटर में रहेगा, ठीक है, इसका भी क्या आ जाएगा, चेंज लेंथ मीटर में आएगा, सिंपल है। और यहाँ पे आप इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, पर अगर पूछा है मीटर में तो मीटर में रहने देना, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हो सेंटीमीटर में, ठीक है, इंक्रीज इन लेंथ हो गया। देन एरियल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स, एरियल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स, सिमिलर टू लीनियर एक्सपांशन द एरिया ऑफ द शीट ऑफ अ सॉलिड मटीरियल ऑल्सो इंक्रीजेस ऑन हीटिंग, दिस इज कॉल्ड द एरियल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स।
So this is given by the following formula: A2 equals to A1, 1 minus rho del T. ठीक है, इसे रो बोला जाता है, को सिग्मा भी बोलते हैं. ओके, हियर डेल टी इज द चेंज इन टेम्परेचर एंड A1 एंड A2 आर द इनिशियल एंड फाइनल एरियाज ऑफ द शीट. सिग्मा इज द कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड. देन वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड सिमिलर टू द शीट, अ थ्री डायमेंशनल पीस ऑफ सॉलिड. ठीक है, 3D पीस ऑफ सॉलिड एक्सपांड्स ऑन ऑल साइड्स. ठीक है, जब उसे हीट किया जाता है, हीट दिया जाता है, तो वो ऑल साइड से एक्सपांड होता है और उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है. सो इसे बोला जाता है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन ऑफ अ सॉलिड. एंड इट इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला: V2 इक्वल्स टू V1, 1 प्लस बीटा डेल टी. ठीक है, दिस वन इज अ बीटा. हियर डेल टी इज अ चेंज इन टेम्परेचर एंड V1 एंड V2 आर द इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम्स ऑफ द सॉलिड. बीटा इज अ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द सॉलिड. नेक्स्ट पेज नंबर इज 102. एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स. अ लिक्विड डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट इट हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम. सो वी कैन डिफाइन अ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट फॉर अ लिक्विड एज फॉलोज: V2 माइनस V2 इक्वल्स टू V1, 1 प्लस बीटा डेल टी. Here, del T is a change in temperature and V1 and V2 are the initial and final volumes of the liquid. Then beta is the volumetric expansion coefficient of the liquid. Next है, ये जो use your brain power होता है, ये आपके लिए होता है, okay? Expansion of gases. A gas does not even have a fixed volume. Gas का कोई fixed volume नहीं होता है. ठीक है, लिक्विड का होता है पर गैस का नहीं होता है. गैस एक्सपांड्स ऑन हीटिंग बट इफ द गैस इज केप्ट इन अ क्लोज्ड बॉक्स इट्स वॉल्यूम कैन नॉट इंक्रीज बट इट्स प्रेशर इंक्रीजेस. गैस एक्सपांड हो सकता है हीटिंग पे, ठीक है, और होता है हीटिंग पे गैस एक्सपांड होता है, पर जब उसे कोई बंद बॉक्स में रखा जाता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है, नहीं हो सकता. ठीक है, पर जब जब उसका कोई बंद बॉक्स में रखा जाता है तो उसका प्रेशर ज़रूर इंक्रीज होता है. ठीक है, कोई भी बंद इसमें रखा जाए तो प्रेशर ज़रूर इंक्रीज होता है बट वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो सकता. ओके, सो ऑब्जर्व फिगर नंबर 14.7 एंड फाइंड आउट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसका आंसर्स फाइंड करना है आपको. देखो, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन अ गैस, सी द इफेक्ट्स. मूवेबल पिस्टन, देन फिक्स पिस्टन. ये जो पिस्टन है, ठीक है, मूवेबल है, ऊपर नीचे होती है. मोशन ऑफ एयर वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स. ये देखो मॉलिक्यूल्स का मोशन देखो. ठीक है, ये फिक्स पिस्टन, ये हिलेगा नहीं, ये जो है ये मूवेबल है. ठीक है, ये ऊपर नीचे होगा तो ये ऊपर हो गया, देखो प्रेशर के कारण, पर ये फिक्स्ड है इसलिए ये नहीं हो पाया. यूजिंग द फॉर्मूला डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपन वॉल्यूम, एक्सप्लेन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन द गैस केप्ट इन अ क्लोज बॉटल. इफ द बॉटल इज नॉट क्लोज बट हैव अ मूवेबल पिस्टन अटैच टू इट्स ओपन एंड सी द फिगर. What will be the effect of heating the gas in the bottle? Therefore, the expansion of a gas is measured by keeping its pressure constant. ठीक है, expansion of gas को कैसे measure किया जाता है? उसका जो pressure है उसको constant रख के. So, this volumetric expansion coefficient is called the constant pressure expansion coefficient and is given by the following formula: V2 equals to V1 into 1 plus beta del T. The here del T is the change in temperature and V1 and V2 are the initial and final volumes of the gas at constant pressure. So beta is a constant pressure expansion coefficient of the gas. Okay, so here this chapter ends. इसके बाद आता है exercise जो कि आपको इस video के नीचे जो link है वहाँ पे आपको मिल जाएगा. Okay, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स है वो भी आपको सॉल्व वाले मिल जाएंगे. ठीक है, सॉल्व करके आपको मिल जाएंगे.
सिंपल है, इजी न्यूमेरिकल्स है, आपको क्या करना है बस कुछ कुछ जो गिवन है बस उसी का यूज करके आपको क्या करना है, आंसर्स देना है क्वेश्चंस के, ठीक है। सिंपल, आपके पास सभी फॉर्मूलेस है, अवेलेबल है, ठीक है, उसी फॉर्मूले का यूज करके आपको सॉल्व करना है। ओके, पहले आप अपने मन से खुद से सॉल्व करके देखना, इफ अगर नहीं जम रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ कन्फ्यूजन आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप वहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ओके।